इसमें क्या करेंगे, आई मीन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। इसके अंदर बेसिकली हमें इसको कैमरा की इंफॉर्मेशन दे के आईपी जो आईपी होगा उसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कॉन्फ़िगर करके तो हम क्या करेंगे, जो डिस्प्ले को सीसीटीवी को के डिस्प्ले को हम इसके ऊपर लैपटॉप पे ले आएंगे। सो देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो हम सिंपली क्या करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग के क्या करेंगे कि एडवांस में जाएंगे, नहीं एडवांस में सिस्टम पे जाएंगे। राइट गाइस, सिस्टम इज़ द राइट ऑप्शन। सिस्टम पे जाके डिवाइस मैनेजर पे, तो यहाँ पे एक लॉगिन सामने डिवाइस मैनेजर में आके वो क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है, अपने आईपी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हमने पुट करनी है। सो जोन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड एरिया करेंगे, उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग कैमरा। राइट, आप जोन एज इट इज रहने दें, ओके करें। यहाँ पे टेस्टिंग कैमरा की एक जोन ऐड होगी जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप पूरी की पूरी लिस्ट भी जो है इसमें ऐड करवा सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मुश्किल ना हो, सबके लिए समझना आसान हो। पहले एक कन्फिगर हो जाएगा कैमरा तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक कुछ भी नहीं करना, बस क्लिक हुआ हुआ है तो ऐड डिवाइस करनी है। ऐड डिवाइस के अंदर अभी आपने क्या करना है कि ये डिवाइस का यहाँ पे आप नाम भी रख सकते हैं जिस डिवाइस को आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे जो DVR है या NVR जो मेरे पास पड़ा हुआ है जिसके ऊपर सारी सीसीटीवी कैमरास की तारें आ रही हैं, इसकी वायर्स आ रही हैं, इसकी वजह से डिस्प्ले आ रहा है, तो उसको मैं वो एक NVR या DVR होता है, आपको पता ही होगा, सबको जो फैमिलियर है उनको पता, जिनको नहीं पता तो उनके लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ कि एक जो है ना वो जैसे पुराने DVD प्लेयर नहीं होते तो इस तरह का DVR होता है NVR जिसमें कैमराज की सारी वायर्स आती हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो वायर्स में आगे लगती हैं और डिस्प्ले हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं और उसी में से जो है निकल के LCD को लग जाती है एक VGA केबल और क्या करती है कि वो आपको डिस्प्ले दे दिया, तो उस एक पर्टिकुलर LCD के ऊपर जो वायर्ड होती है उसके साथ लगी होती है। तो हम ये लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं, तो लैपटॉप ये वायरलेस है, तो हम क्या करेंगे, वो कैमराज ऑलरेडी नेटवर्क पे हैं तो हम उसी को जो है लैपटॉप पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइस नेम है गाइस कोई भी रख दे, जो डिवाइस का नाम हम आप पर्सनल कुछ रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एहसान कैमरा फॉर इंस्टेंस ये मैंने रख दिया। यहाँ पर अगर आप आईपी कर रहे हैं तो आईपी वैसे मोस्ट प्रोबेबली आईपी ही होता है क्योंकि आईपी को ही छेड़ना है इसको, और किसी ऑप्शन को भी आप ना करें। क्लाउड पे करना है तो क्लाउड पे चले जाएगा, IPv6 अभी तक आया नहीं है, सो IPv4 के ऊपर लाइक वो आईपी एड्रेस की, इन शॉर्ट आईपी एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सो मुझे मेरा आईपी पता है मेरे कैमरे का, ये गाइस ये, और उसके बाद पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर आपने रेलिवेंट आपको सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग देखते हैं वहाँ पे इसकी पोर्ट नंबर भी आ रही होती है, तो मैं यहाँ पे अपनी लिख देता हूँ। गाइस ये यूज़र नेम और एडमिन है, ये आपके DVR का यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है वो मैं लिख देता हूँ, ये मुझे याद है गाइस। और ये मैंने यूज़र नेम पासवर्ड लिख दिया, टेस्टिंग कैमरा एज इट इज़ का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे वेंडर लिख देना है कि कौन सी कंपनी का जो है ना वो आपके पास लगे, मेरे पास दावा के लगे हैं, ठीक है तो उसका जो DVR जो NVR है वो भी दावा का ही है, तो हम इसके ऊपर दावा पे क्लिक करके ओके करेंगे। लेट्स वॉच गाइस, ये हमारे पास एक ऐड हो गई है जो डिवाइस है, इसको ओके करते हैं, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाइस, ये इस मेरे DVR के अंदर जितने कैमरा थे सारे के सारे सामने आ गए। फॉर इंस्टेंस मैं किसी एक को कर देता हूँ, ये एंट्रेंस डोर, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ये ग्रीन ग्रीन सा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डबल क्लिक करके तो क्या आ जाएगा, इसका डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरे का डिस्प्ले भी आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये दूसरे का, इस तरह का इस राइट। सो गाइस इसी तरह ये आप डिफरेंट कैमरास को हम आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए, समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तब भी आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह आपको आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आप लाते रहेंगे इंशाल्लाह के लिए। थैंक यू सो मच, साइन आउट। यहाँ से अब आप लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करने के बाद अगर आपने इसको बंद करना तो ये गाइस ये प्लेबैक की ऑप्शंस आप ऑब्वियसली सी बात है जो रिकॉर्ड हो रही होगी तो वो प्लेबैक भी आप इसे देख सकते हैं, कलर से कलर वाली ऑप्शन से कलर चेंज कर सकते हैं, एडवांस में जाके एडवांस ऑप्शन है। सो हम सिंपली क्या करेंगे अभी लॉग आउट करेंगे ताकि यहाँ से इसको ओके करेंगे, पासवर्ड हमने कोई रखा नहीं था, ओके किया चल दैट्स इट।